अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ इफ्तिखार हाशमी, आप देख रहे हो मेरा चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। एक बड़ा ज़बरदस्त पे स्केल चार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये चार्ट जो है ये पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने भी आज तक पे स्केल रिवाइज़ हुए हैं ये कम्बाइंड चार्ट है। और ये जब पे फिक्सेशन होती है तो उसमें हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो बड़ा ज़बरदस्त चार्ट है आपके साथ शेयर करूँगा। ये गैलेक्सी वर्ल्ड ने ही अपलोड किया अपने वेबसाइट पे, ये देखिए उनकी वेबसाइट है, यहाँ पे उन्होंने इसको अपलोड किया है। तो एज़ यूजुअल हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, और उन्होंने इसकी पूरी जो पे स्केल है इसकी हिस्ट्री बताई है कि 1987 से 22 तक जो पे स्केल रिवाइज़ हुए हैं, तो ये वैसे भी जानना ज़रूरी है हमारे लिए। और सबसे ज़्यादा ये हमारे लिए यूज़फुल है जब पे फिक्सेशन होती है, तो उस वक्त हमें पुराने चार्ट की ज़रूरत पड़ती है, इससे पहले का, उससे पहले का, और ख़ासूसन जब जो रिटायरमेंट पे जो मुलाज़मीन रिटायर हो रहे होते हैं, कम्यूट बन रहा होता है, उस वक्त भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो अकाउंट के शोबा से ताल्लुक रखते हैं साथी, उनके लिए बहुत यूज़फुल है, और वैसे भी जिनको इंटरेस्ट होती है पूरे देखने की, तो उनके लिए ये बड़ा यूज़फुल चार्ट है। तो पूरा आपको चार्ट दिखाते हैं। रिमाइंड करा दूँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री होता है, इससे हमारे लिए हौसला अफजाई होती है और आपको इंशाल्लाह अपडेट मिलती रहेंगी। और दूसरा, मैं रोज़ बताता हूँ कि हम आपकी जो तजावीज़ होंगी, आपकी जो सजेशन होगी उसको प्रेफर करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दिया करें, और इंशाल्लाह ताला हम आपकी जो पॉजिटिव फीडबैक होगी उसको ज़रूर कंसिडर करेंगे, आपके मसाइल को उजागर करेंगे, और अच्छी खबरें इंशाल्लाह ताला आपको सुनाते रहेंगे, और तशवीशनाक ख़बरों से भी आपको आगाह रखेंगे। बेसिक पे स्केल चार्ट 1987 to 22, ये इसका पीडीएफ लिंक मैं दे दूंगा। इसमें यहाँ पे इन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई है जी, कि जो फर्स्ट पे स्केल रिवीजन वाज इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट इन 1972, तो 1972 में पहली दफ़ा जो पाकिस्तान के अंदर पे स्केल रिवाइज हुए थे, आफ्टर रिवाइज नहीं हुए थे बल्कि इशू हुए थे। After that, government revised the pay scale chart many times. For this purpose, I have published an article showing in detail the history of pay scale. ये एक साथी हैं जी, बहुत उन्होंने एफर्ट किया है, सबसे पहले तो हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने ये बनाया है। ये कंपाइल बाय द तलत हसन हसन साहब हैं जी, ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं फनांस सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ये बनाया है। तो अल्लाह ताला उनको खुश रखे, मट्टी ज़रा नम हो तो बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो यहाँ पे भी बड़े बड़े लोग हैं जी, बड़े अच्छा काम करने वाले हैं। ये बहुत मुश्किल काम था, ये पूरे सब को कम्बाइन करना एक ही चार्ट के अंदर, तो उन्होंने ये एक तो आपको सारी हिस्ट्री भी बताई यहाँ पे, दूसरा उन्होंने इसको कम्बाइन कर दिया। ये जो चार्ट है ये कम्बाइन चार्ट है 1987 से लेकर 22 तक, जो अभी नया आया है। तो यहाँ भी हिस्ट्री देखें ज़रा, सबसे पहले जो 72 में रिवाइज पे स्केल हुए थे, उसके रिवाइज नहीं हुए थे बल्कि इशू हुए थे सबसे पहले, उसके बाद रिवाइज हुए ये 77 में, फिर 83 में, फिर 87 में, फिर 91 में, फिर 94 में, फिर 2001 में, 2005 में, फिर 7 में, फिर 8 में, 7 और 8 में दोनों साल लगातार हुए हैं, और उसके बाद 8 के बाद फिर 11 में हुए थे, 9, 10, फिर 15 और 16, 17 में, ये दोनों साल लगातार हुए थे, और 17 के बाद 18, 19, 20 तीनों साल कोई नहीं पे स्केल रिवाइज हुए, और 22 में अब ये पे स्केल रिवाइज हुए हैं। तो ये जो कंबाइन चार्ज है, चार्ट है, ये किसके लिए, एक तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, और मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये दे दूँगा। अच्छा, ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट ऑफ द कम्बाइन पे स्केल चार्ट क्या है। दिस कम्बाइंड चार्ट इज़ वेरी यूजफुल इन मैनी वेज, यू डॉन्ट हैव टू गो थ्रू मैनी चार्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ पे फिक्सेशन। आपको पे फिक्सेशन के लिए बहुत सारे चार्ट की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली द पे फिक्सेशन वैन यू हैव टू गो मैनी ईयर्स बैक डेटेड पे फिक्सेशन। और ये ऐसा होता है जो कम्यूट भी बनता है, और बहुत सारे लोगों को जो एरियल आपने बनाना होता है, और कुछ लोगों के केसेज होते हैं, ये कोर्ट के केसेस होते हैं, और वो केस जब जीतते हैं तो आपको पूरा उनको बहुत सारे लोगों को एरियर देना पड़ता है, तो उसमें भी आपको सारे बहुत सारे चार्ट
देखने पड़ते हैं। ये जो साथी जो अकाउंट्स के शोबा से हैं उनको पता है इसमें कि इसमें कितनी मुश्किल होती है, बहुत सारे चार्ट देखने पड़ते हैं। तो उस बहुत सारे चार्ट को आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी, ये एक ही चार्ट आपके लिए जो है वो यूज़फुल होगा। यू डॉन्ट हैव टू सेव बंडल ऑफ चार्ट, दे आर जस्ट इन वन प्लेस ऑन अ फ्यू पेज ओनली। तो एक ही चार्ट पे वो कह रहे हैं जी हमने कंबाइन कर दिया है इस चार्ट को, सिर्फ आपको एक ही चार्ट देखना है और आपके सारे मसला हल हो जाएगा। ऑल द बे स्केल कंसिस्ट ऑफ द इनिशियल स्टेज ऑफ ईच बीपीएस, द लास्ट स्टेज एंड द इंक्रीमेंट। अच्छा, इनमें इन्होंने जो बीच वाले हैं वो तो चूंकि आपको वो जो अगर आपको इनिशियल स्टेज मिल जाए, पता चल जाए, और आपको फाइनल स्टेज पता चल जाए, तो आपको शुरू के आप उसमें तो साल की इंक्रीमेंट ही जमा करना होता है। देखिए ना, इनिशियल स्टेज अगर आपको पता चल गई और आपको सालाना इंक्रीमेंट भी पता चल गया, और आपने अगर 15 स्टेज पर जानना है तो उसको 15 उसमें इंक्रीमेंट लगा देने आपने वही, तो ये तो एक आम बंदा भी कर सकता है। ये मेन ज़रूरत इसी की थी कि आपको फर्स्ट स्टेज हर स्केल की पता हो। अब ये यहाँ पर देखें, उन्होंने इसको मैं आपको तस्वीर में दिखाता हूँ, ये देखें। तो इसमें अगर आप गौर करें तो उन्होंने आपको हर स्केल की ये 1987 में मिनिमम जो थी बेसिक, ये यहाँ ये स्टेज थी 24 स्टेज पहले होती नहीं, 30 स्टेज हैं, तो 30 स्टेज ही हैं। तो यहाँ पे उन्होंने पूरा आपको दिखाया है जी कि मिनिमम ये बीपीएस वन की उन्होंने 1987 से लेके ये 1987 से लेके 2017 तक जो है इन्होंने आपको पहले ये बताया है, इनिशियल, मिनिमम और इंक्रीमेंट और मैक्सिमम, और ये स्टेज हैं ये पूरी। तो ये पूरा एक ज़बरदस्त चार्ट है, मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ना इसको मैं दे देता हूँ, ये यहाँ पे मैं इसको जूम करता हूँ तो आउट हो जाता है, तो आपको ये यहाँ शायद नज़र ना आ रहा हो, लेकिन जब आपको इसको आप खोलेंगे खुद पीडीएफ, इसलिए मैं दे रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ मौजूद है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अभी जो हमारा लेटेस्ट है ये वाला, ये भी इसके अंदर बिल्कुल वही है जो अथेंटिक है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये भी इन्होंने वही चार्ट दे दिया है। तो इसका बेनिफिट मैं आपको दोबारा मैं आपको बता दिया है कि ये जो इसका बेनिफिट ये है कि आप इसको कंबाइन, जब आपने पे फिक्सेशन करनी होती है वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो। यहाँ पे भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, वरना मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चार्ट का पूरा, ये जो चार्ट है इसकी पीडीएफ फॉर्म मौजूद होगी, आपने वहाँ पे क्लिक करना है और आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई है तो लाइक करें, शेयर करें, ये बिल्कुल फ्री होता है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।